सोलन में डायनामिक इंडिया युवा मंडल की ओर से आयोजित सोल में हिमाचल उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या स्कूली बच्चों के नाम रही। इस अवसर पर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया व वगाट चेयरमैन पवन गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर युवा मंडल के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि को टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। सांस्कृतिक संध्या में एसजे डांसिंग जोन गायिका इंदुवाला व हास्य कलाकार प्रिंस गर्ग ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सभी का खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव सुलनी मेले की तरह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, जिससे वह अपनी प्रतिभा को सबके सम्मुख पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलता है। बल्कि एक बच्चे ऊंट की सवारी भी यहाँ पे कर रहे हैं, एक नई चीज देखने को मिली। यानी कि क्लब, उस क्लब ने पीड़ा उठाया अपने इर्द गिर्द जो प्रतिभा छुपी है, उस प्रतिभा को उभार कर किस तरह से बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाए, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इनको सशक्त बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इस मंच पर ऐसे ऐसे कलाकारों को मौका दिया है जिन्हें कहीं मौका कम मिलता है, उनको यहाँ पर खुलकर मौका मिलता है, अच्छे से अच्छे कलाकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मेले के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पर व्यापार मेला लगता है, यहाँ पे फूड मेला लगता है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए झूले इनके द्वारा लगाए जाते हैं और अन्य जो प्रतियोगिता जो इसके द्वारा कराई जाती है, जिससे यहाँ के युवाओं को एक मंच प्रदान इनके द्वारा किया जाता है।